अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज साहब, आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी काफ़ी असर पौधों पे रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे, सिंध कौंसिल के मेंबर भी रहे, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की जो सूरत हाल है, खुसूसन जो NCA जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो थी, जिसने पिछला टेन्योर हमजा खान ने गुजारा, फिर वो चले गए, उसके बाद नई NCA आई, आपने NCA के साथ सपोर्ट भी किया, काम भी किया, तो क्या वजह थी कि वो काम हो नहीं सके, और कुछ चीज़ें क्या थी, किस वजह से आपने देखा है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी वो नाकामी का शिकार रही? बात यह है कि मैं एक उम्र हो गई है, मैं फुटबॉल के साथ स्कूल कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद मैं अपना मतलब हमारा तो आखिर में जो मैं उर्दू के लिए आऊँ, ये जो सिनेरियो पैदा हुआ है ये इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए एक और नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई थी, और बीइंग द इलेक्टेड बॉडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ दिन, हमने खुली तौर के ऊपर कंट्री जो आई थी पाकिस्तान की और सूबों उसको हमने सिर्फ कबूल किया था, और खुले दिल के साथ बल्कि उनके साथ अपने बैठ करके जो भी हमसे हेल्प हो सकती थी, बस इसलिए गई कि जो 5 मैंडेट मैन दिए गए थे उसी को, उसमें पहला ये था कि टू रन द गे टू गे हेल्प ऑफ द पाकिस्तान के बाद, तो उसके अंदर सबसे पहले ये आता है किस वजह से झगड़ा हुआ वो झगड़े को ख़त्म करना, और वो था एक नया इलेक्शन करवाना, और नया इलेक्शन जब हो जाए तो लामाना उसके अफेयर को खुद बहुत बिल्कुल सबूत नहीं करेंगे। सबसे पहले हमजा साहब आए, पाकिस्तान इंडस्ट्री चेयरमैन बने, पूरे सूबों में ये लगते हमने बड़े पूरे दिन से एक्सेप्ट किया, लेकिन 14 माह उन्होंने लगाए और उन्होंने कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं दिया जो पाकिस्तान के फुटबॉल को इस मुश्किल वक्त में इस तरह से निकाल सकता। अल्टीमेटली नुकसान तो हो रहा था, डिपार्टमेंट बंद हो रहे थे हमारे फुटबॉल के अंदर, जो मूर्तकारी हो रहा था, तो एक बात तो हम ध्यान में रखते थे भाई, पाकिस्तान के फुटबॉल की अकाली क्लब है, और उन क्लबों की सेकेंडरी हम जैसे पागल लोग सदरिया सेकेंडरी जो अपने घरों से अपने बच्चों का पेंट करके काट करके उन क्लबों में लगाते हैं, उन क्लबों में खिलाड़ी तैयार करते हैं, वो खिलाड़ी जाता है पहले डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी में जाता है, और फिर टूरिज्म में हमारे तो सिर्फ इंतजार रह जाता है कि वो फला खिलाड़ी हमारा नेशनल है, उसके अलावा हमें 1 रुपया नहीं मिलता, कोई आप मुझे अकेडमी बता दें, कोई ऐसी पाकिस्तान वर्ल्ड फेडरेशन की कोई ऐसी सोच बता दें जो खिलाड़ियों को पैदा कर रही है। हम बच्चे को लेकर के देते हैं कि उसको देश तक मानकर सिखाते हैं, उसको एक चीज़ देते हैं, फिर क्या करेंगे मुझे ना इस वक्त अकाली फुटबॉल की पाकिस्तान में क्लब है, और क्लब जब तक वोट नहीं देंगे तो ना डिस्ट्रिक्ट बनेगी, ना सूबा बनेगा, ना ऊपर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बनेगी, अगर बननी होती तो ये सूबे को और डिस्ट्रिक्ट को जोड़ करके फेडरेशन बन चुकी होती तब की, लेकिन आपको पता है कि स्टेप टू स्टेप चढ़ा जाता है, सीट टू सीट चढ़ा जाता है, हुआ ये है कि बजाय इसके तो उनको फोकस अपनी प्रायोरिटी जो है ना वो देनी चाहिए थी पाकिस्तान फुटबॉल के इलेक्शन को, उन्होंने प्रायोरिटी दे दी अपनी स्टेट को, एक बात भारत के साथ, दूसरा उन्होंने दे दी कि भाई जिस जिस जंत पर पैसा खर्च कर सकते हो, जिस जिस जीवन में पैसा खर्च करो अपने घर को करवा दो, ठीक है, स्टेक होल्डर एक चीज को लेकर चल रहे हैं, जब स्टेक होल्डर आपने उनको सस्पेंड कर लिया तो वो स्टेक होल्डर को थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप जब तरफा कोई गाड़ी बनाने की बजाय आप 2 बंदे स्टेक होल्डर से लेते, 2 बंदे से 2 बंदे आप मीटर लेते, एक आप अपने चेयरमैन में कवर करते, 5 8 एक आपको गाड़ी बनाने से बनाते और वो कार्रवाई होती, फिर आप ये देखें कि हमारा कितना नुकसान हुआ कल्बों का सिंध के अंदर, या सेफ्टी तक करवा लीजिए हमारे कोई, मैं आपको इंचार्ज कोच को एक मिनट लेके जाता हूँ, मेरा बच्चा 5 से 7 हज़ार रुपया आता है, 3 से 4 हज़ार गाड़ी देती है।
और 50 रुपये की तो मैंने भाई एक चाय है, सिर्फ चाय पी जाए बिस्किट ना लिया जाए। अब लड़कों को बगैर उसको तो नहीं छोड़ सकते, वो हमारे नौकर तो नहीं है, उनको हम ऑब्लाइज करते हैं। लेकिन अजीज साहब एक चीज़ और भी है, कहा यह जा रहा है कि ये जो मामलात अभी हुए हैं ये सारा जो है इसमें डॉलर इन्वॉल्व है, सबके पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है और ये जंग पैसे की चल रही है। मैंने हमेशा बैंक पर बैठ कर ये काम किया, या घर लोन और मकान काम किया, मैंने अभी हमारे खान का पचास काम किया और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए 8 साल लगाए हैं अलहमदिल्ला की बात की बैंक की जो कुछ नहीं किया। आप ये देखिए मेरी बात स्वस्थ रखा ये काम होते थे 5 दिन पहले ड्राइवर की हमारी काम मुझे बुलाया था, ही इज़ अ वेरी क्लीन एंड क्रिस्टल पर्सन। ऐसे लोग अगर 8-10 और पाकिस्तान के परिवार से मिल जाए तो हमारा परिवार बहुत दूसरी बात यह है कि अब बात याद ये है कि एनसी को पहले एक्सेप्ट किया गया, अब उसको हटा करके सुप्रीम कोर्ट के तो भाई मेरे यहाँ खुद सोचे एक बच्चों को बुखार होता है, अब उसकी यार मेडिसिन ले रहे होम्योपैथिक की, किसी डॉक्टर की, किसी बड़े तहसीन की, लेकिन वो बच्चों को शुमार नहीं मिलती। आप क्या करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं एक बात, या फिर आप अपने ट्रीटमेंट तो शुरू कर देते हो। एनसी के लोगों ने 70-70 लाख रुपए यार सैलरी लेकर 14-14 माह गुजार दिए। ये आए तो देखिए पहली बात तो एक डबल फैसिलिटी के बंदे को पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक आपको जो फैसिलिटी अगर आपने दे भी दी तो उनको आप ये चीज़ सिखा करके बेचते हैं कि पहले 14 से 18 माह आया हुए हैं, आपने विदिन 6 मंथ या 3 मंथ आपने इलेक्शन में तोड़ देना, बाकी वो छोड़ दो वो होते रहेंगे, वो जो भी गाड़ी आप बना दो उसको बोलो भाई ये आप ले लेंगे। कॉम्पिटिशन कमेटी होती है, आप कॉम्पिटिशन कमेटी बना दी उसको दे दी, ठीक है। आपकी फाइनेंस कमेटी की या फाइनेंस कमेटी को फाइनेंस का मैटर दे दो, ऑडिट कमेटी को ऑडिट का मैटर दे दो, आप आ जाओ इलेक्शन के ऊपर उसकी कमेटी बना के आप ऊपर आप अपना वो रखें जोर ऑब्जर्वेशन और आप उस काम को करें काम से पाकिस्तान के फुटबॉल को चल रहे। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या है, फिर दूसरा बैन लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए। अच्छा इसमें दो चीज़ें, पाकिस्तान पे भी लगेगा और जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर भी लगेगी, लेकिन तो उसमें क्या सूरत हाल होगी। मैं एक बात आपके यहाँ आपके पैसे से कहूँगा कि फीफा ने इनको 22 माह हो गए हैं इस कमेटी को एन सी के बदले, फीफा ने दो फंड दिए हैं फीफा एंड केयर की वेल नो जो उन्होंने क्या दिया है और इन्होंने किस चीज़ पर खर्च किया उसका रिजल्ट जीरो। एक बात दूसरी बात यह है कि फीफा पहले फाइनेंस मिशन पे गए पाकिस्तान में, वो आकर के इनसे ना मिले पहले, ना शाह ग्रुप से मिले, ना वो अपना मलक साहब से मिले, वो मिले जो स्टेक होल्डर थे, वो मिले उन क्लबों के सेक्रेटरी जनरल थे जो इसकी अकाई हैं और उनसे पूछे, वो मिले जो बिल्कुल वो मीडिया है जो मीडिया हक की बात करती है किसी की साथ की बात नहीं करती, ठीक है, उससे मिले और फैक्ट मैनेज हो, फिर उसको पता चलेगा कि यार सच क्या है झूठ क्या है। आप मैंने आपको बताया ना एक टूर्नामेंट चलता है, अगर टूर्नामेंट का एक मैप दे दिया जाए तो थक करके वो टूर्नामेंट कम्प्लीट हो जाए, ठीक है, सब लोग खुश हो जाते हैं, चाहे उनको उसको कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो है आपको मैंडेट मिल रहा है, आप उस मैंडेट में दावा जा रहे हैं। लेकिन पहले आपके सामने हमला साहब ने गुजार दी तो चलने का पैसा आपके पीछे आ गया, लेकिन जी हम तो भी बात करते हैं भाई बिल्कुल की तरह से, उसके बाद देखें कि भाई जी राणा साहब को दे दिया गया उन्होंने। आप इस बात के ऊपर सोचे फीफा को ये सोचते थे कि जो शख्स कमेटी का मेंबर है हमजा खान के वक्त में, वो शख्स खुद आकर के अपने तमाम फैसलों को यक जुम्बश कलम रद्द कर रहा है, कितने अकलमंद लोग फीफा ने लगाए, क्या उनका प्यार था कि अपने ही फैसलों को या तो सब आप ऑब्जेक्ट करते आपका इस या तो कौन सा उन रोड होता है कारण फिर मैं बोलूँ मतलब डिस एग्री एग्री करें या डिसएग्री करें, डिस एग्री कर लो आप लिखो उसको, मैं फैसला डिसएग्री नहीं करता हूँ, ठीक है जी मेजोरिटी ने पास कर दिया आपका फैसला उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप एग्री भी कर रहे हो और आप आकर उसको खत्म, उन्होंने तो सिर्फ इस पर टाइम लगाया, फीफा ने देखा यार ये बंदा वक्त आया कर रहे हैं, उन्होंने मलिक अरुण साहब को भेज दिया, मलिक अरुण साहब देखें पाकिस्तान में क्या भेजा नहीं था फुटबॉल की बहुत शख्सियत नहीं थी, अरे भाई इसमें जनरल बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं पहले से, लेकिन हैं अच्छा
अगर आप बोझ के कंट्री नहीं आना चाहते हो बताएं तो सिविल बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे पागल लोग भी बहुत सारे जो प्रवास की रम से जानते हैं, जो प्रवास की वक्त आया अपना पैसा देते हैं, तो हम ये देखेंगे वो आए बजाय इसके कि वो देखें वो हर शख्स उससे तो मिल रहे हैं जो उनसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों से नहीं मिल रहे हैं जिन लोगों से उन्होंने काम लिया। ऐसा हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान के इसके चेयरमैन तो है, एम पी भी है, और पूरे पाकिस्तान का फुटबॉल बगैर पार्टी के हो रहा है, बगैर किसी कोऑर्डिनेटर से हो रहा है, बगैर वो कहते होते हैं ना वो गड़बड़ के हो रहा है। अच्छा आखिरी बात ये बताएं कि अब क्या देख रहे हैं, ये सारे मामलात की जड़ कहाँ जाएगी, कोई मसला हल होगा? अच्छा ठीक है, अल्लाह करे वो हो जाए तो वो जो ये जो शोर हो रहा है इस तरह से जो भी ये हो जाएगा बढ़ा हो जाएगा तो पाबंदी लगती है खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि पाबंदी लगी हुई तो आप 205 दिन और लेकिन एक हिसाब से आएगी कि इस बात का नाम है नंबर ऑन भी करना है। उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने स्टेक होल्डर सारों को मिला करके बढ़ा करके कनेक्शन करवा देते हैं और दुखा को मत पीते ना हमारा ये झगड़ा खत्म हो गया भाई। ठीक है, और अब आप आकर के अपने जो भी झगड़ा करना मेरा नुकसान अगर मुझे है ठीक मेरा जिस वोट जाकर के बैठता है कुछ गड़बड़ बैठता है ये तो वक्त बताया ना, मैंने जो गलत किया वो यही है। बहुत शुक्रिया।